बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई साहब, सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अगर आप लोग जड़ा वाला आए हैं या जड़ा वाला रहते हैं आप, तो अगर आपका दिल कर रहा है कि भाई बिरयानी खानी है, तो बिरयानी आपको एक ऐसी जगह पे आज हम ले जा रहे हैं जहाँ की बिरयानी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है जड़ा वाला में। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि सबसे अच्छी है, लेकिन हम उसका जो है वो रिव्यू करेंगे 10 में से जो है। मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे वहां जाके। अभी बस हम जाने लगे और जाके चेक करते हैं भाई क्या क्या, उनसे जरा इन्फॉर्मेशन भी लेंगे थोड़ी बहुत कि भाई कैसे बनाते हैं और कितनी देर होगी उनको बनाते हुए ना। तो भाई रात के 9 बज रहे हैं, अब जाके देखते हैं कि बिरयानी उनके पास है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। अगर तो हुई तो बस वीडियो बन जाएगी, लेकिन अगर ना हुई तो बस फिर प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा। ये सामने हमारे बिरयानी एक्सप्रेस, और जो कहा था कि भाई बंद हुई तो प्रोग्राम बढ़ जाना, तो ये प्रोग्राम जो है ना वो बढ़ गया है। फिर उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। लेकिन अभी हम जाएंगे दूसरी जगह पे, क्योंकि मैंने कहा था कि ये सबसे अच्छी नहीं है, और भी अच्छी हैं। तो अभी जो है वो हम जाएंगे कराची नसीब पे और वहाँ का जाके आपको चेक करवाते हैं। जी कराची बिरयानी शुक्र है खुली है, अभी इनसे जो है वो जाके रिव्यू शिव्यू करते हैं, देखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई प्लीज हैव योर अटेंशन, आई हैव जस्ट बीन हैंडेड एन अर्जेंट एंड हॉरिफाइंग न्यूज स्टोरी, एंड आई नीड ऑल ऑफ यू टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड लिसन। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं कराची नसीब, और हमारे साथ जो है वो एक अंकल है। ये कराची नसीब पे ही होते हैं कि आप यहाँ पे क्या करते हैं पहले तो ये बता दें। मैं यहाँ वर्कर वर्कर है, ठीक है जी। आप ये बता दें कि कितनी देर पहले बना ये? हमें बनने को 9 साल हो चुके हैं। 9 साल हो चुके हैं, अच्छा। इसके अलावा कोई आपकी है ब्रांच या नहीं? इसके अलावा हमारे आप हर शहर, क्योंकि मैंने देखा है हर शहर में कौन कौन से शहर, थोड़ा दो चार शहर भी बना। लाहौर में मिलेगी, फैसलाबाद में मिलेगी, और बारह में मिलेगी आपको, सरगोजा में मिलेगी आपको, जिस शहर में आप चले जाएंगे आपको प्रयास में हमारी मिलेगी, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा है जड़ा वाला में आपके नाम के बड़े जो है ना वो और भी लोग हैं कराची के नाम से बेच रहे हैं। तो कराची के नाम से जो बेच रहे हैं ना, वो कराची का नाम हमारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम रजिस्टर्ड है। अच्छा, हमारी कराची नसीब है, बाकी जो आपने नाम पढ़े नहीं है कभी, आप कराची पढ़ते चले जाते हैं। कराची नसीब, कराची नसीब है आपका जी, ठीक है जी। कराची नसीब वालों के पास आना है आपने जब भी आना है जी। तो आपकी कोई स्पेशल चीज़, सबसे स्पेशल चीज़ क्या है हमारी? सर बिरयानी भी स्पेशल है, पुलाव भी स्पेशल है, और रायता और शामी भी स्पेशल है। बाकी और ये आप इनका जो ये मेन्यू भी दिखा सकते हैं, ये इनका मेन्यू है सारा कुछ। और सबसे महंगी चीज यहाँ पे है आपको पुलाव मिलेगा 680 रुपए। पुलाव 1 किलो मिलेगा आपको 680 रुपए का। सबसे सस्ती चीज कौन सी है, मतलब कोई बंदा आए सबसे सस्ती चीज कोई खाना चाह रहा है? चीज हमारी रायता है, वो 20 रुपए का रायता है। मतलब बंदे को रायता पे टलका देते हैं। लेंगे वो तो सिंगल सादा, वो 90 रुपए की है। अच्छा, सिंगल सादा जो है वो 90 रुपए, मतलब 90 रुपए में आगे बंदा जो है वो खुश होके जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप लोग जड़ा वाला आए या आप लोग जड़ा वाला में रहते हैं, तो आप वन ऑफ द बेस्ट बिरयानी है, टेस्ट करके बताएंगे आपको 10 में से कितनी रेटिंग देते हैं, देखते हैं, सभी से पूछेंगे, और आप पहले बताएंगे आप 10 में से कितनी रेटिंग अपने खाने को। हमारी 10 पे ही है, 10 में से 10 आप चले, ठीक है। अभी हम चेक करके बताएंगे आपको कि भाई कैसी बिरयानी है, तो आओ जी चेक करते हैं। तो भाई यहाँ पे भी हम आए हैं, लेकिन हमारे साथ गेम हो गई है, हम कराची नसीब आए हैं और हमारे नसीब में बीफ पुलाव नहीं हुआ, इनका बीफ पुलाव खत्म हो गया है, तो क्या अब हम करें इधर? अब ऐसा करें, हमारा बीफ पुलाव अगर आपकी नसीब में नहीं, तो हमारी बिरयानी खा ली, बिरयानी भी आला है, हमारा बीफ पुलाव भी बड़ा आला था, इसलिए वो तो पहले हमने तो बीफ पुलाव चेक करना था ना कि भाई बीफ पुलाव बीफ पुलाव हम कल पे रख लेते हैं। चले जी, कल फिर आपकी तरफ से होगी दावत इंशाल्लाह। चले ठीक है, कल फिर ये वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, अब हम आएंगे दावत पे। अब आप जब भी आएंगे बीफ पुलाव के दीवाने होके जाएंगे, ठीक है जी। भाई बिरयानी आ गई है, अभी जो है हम खा के चेक करेंगे, वैसे दिखने में अच्छी लग रही है, खा के चेक करेंगे कि भाई बताएंगे आपको कैसी लगी है, और साथ है ये रायता और बिरयानी और चिकन वगैरह, ठीक है।
हमारे साथ कुछ दोस्त भी हैं हमारे जो हमें जो है बड़ी ट्रेन में। तो जी पहला लुकमा जा रहा है और खा के आपको बताते हैं। मजेदार। तो भाई आपके सामने है ये सारी प्लेटें, देख के आप अंदाजा लगा लें कि भाई कैसी लगी मेरे। लेकिन फिर भी हम जो है ना वो जी हैदर साहब आप बताए क्या रेटिंग आपने के दस में से। एट थोड़ी मिर्ची ज्यादा दिया। रेहान भाई क्या रेट देंगे आप बिरयानी को? भाई इसकी रेटिंग मैं तो 7 दूंगा। हफ्स भाई आप क्या रेटिंग देंगे? मैं भाई 8 दूंगा। मेरी रेटिंग है भाई 7.5, 10 में से 7.5 दे रहा हूँ। मैं चावल इतने खाता नहीं, ओवरऑल एवरेज जो है वो 7.5 की निकल रही, एक बीच में 7 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई और इसी तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, एंड वी विल एज ऑलवेज कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।